11 करोड़ से अधिक महिला उद्यमियों को मिले, 15 करोड़ में से 11 करोड़ महिलाओं को आप कल्पना कर सकते हैं देश की महिलाएं देश की आर्थिक उन्नति में किस प्रकार से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही, कैसे अवसर दिए जा रहे हैं। इस पैसे से किसी बहन ने कपड़े सिलने का काम शुरू किया, किसी ने ब्यूटी पार्लर शुरू किया, कोई कढ़ाई बुनाई से परिवार की आय बढ़ा रही है। और बीच में मैं छत्तीसगढ़ गया, वहां तो बहनें ऑटो रिक्शा खुद चला करके अपना कमाई कर रही है। अब हमारे ये लक्ष्य है कि हमारी महिला उद्यमी और सशक्त हो, रोजगार देने में समर्थ हो। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हाल ही में छोटे और लघु उद्योग के लिए एक बड़ा ऐलान सरकार ने किया। देश के एमएसएमई यानी छोटे और मध्यम उद्योगों में महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब बड़ी सरकारी कंपनियों के लिए ये जरूरी है कि कम से कम 3% सामान महिला उद्यमियों के उद्योगों से ही खरीदना होगा। साथियों, स्वरोजगार के साथ साथ नौकरी पेशा महिलाओं के लिए अनेक सुविधाएं दी गई। महिलाओं को रोजगार देने वालों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से सीधा बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया है। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक देश भी इतनी लंबी छुट्टी नहीं देते, लेकिन भारत ने ऐसा दिखाया। और मैं विश्व के नेताओं से कभी बात करता हूं और जब इसका जिक्र करता हूं तो एकदम से वो नीचे मुंडी करके बगल वाले से बात करते हैं, मेरे सामने देखते नहीं है। आज देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस भर्ती में महिलाओं को कम से कम 30% का आरक्षण तय हुआ। इसके अलावा ऐसे दफ्तरों में जहां 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां क्रेच की सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करने का काम चल रहा है। हम तब तक थमने वाले नहीं जब तक दफ्तर में महिलाओं की उपयुक्त भागीदारी सुनिश्चित ना हो। दफ्तरों में काम करने वाली बहनों को तो सुविधा मिले ही, इस बात को लेकर भी विमर्श हो रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली, खेती के क्षेत्र में काम करने वाली बहनों को भी कैसे सुविधाओं से जोड़ा जाए। साथियों, हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की व्यवस्था को अधिक शक्ति दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकार ने कितनी गंभीरता से लिया है, इसका अनुमान एक आंकड़े से आप लगा सकते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में शुरू हुआ था, ये याद रखिए आप, 2011 में पुरानी सरकार से शुरू हुआ था। तब से आज तक इस मिशन के लिए बैंकों से 71,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया। इसमें से 71,000 करोड़ में से 52,000 करोड़ रुपए सिर्फ बीते 2 वर्षों में दिए गए, यानी सिर्फ 2 साल में ही करीब 75% ऋण स्वीकृत हुआ है। साथियों,
महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जन जन के स्वास्थ्य को वैसे भी हमारी सरकार में भी इतनी प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से शुरुआती देखरेख घर में ही उपलब्ध कराई जा रही है। एनीमिया जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत जो समाधान गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को दिए गए हैं उससे 12 लाख से अधिक माताओं के जीवन की सुरक्षा की। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला को पोषक आहार के अच्छा खाना पीना सुनिश्चित हो इसके लिए गर्भ के दौरान 6000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इससे 50 लाख से अधिक महिलाओं को स्वस्थ मातृत्व को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत देश भर में करीब 1.5 करोड़ गर्भवती महिलाओं का चेकअप हो चुका है। इससे लगभग 7.5 लाख माताओं को खतरे की आशंका से सचेत करने में मदद मिली। सरकार के इन प्रयासों का असर स्पष्ट देखने को मिल रहा है। प्रसूता माताओं और नवजात बच्चों के जीवन पर खतरा कम हुआ है। लाखों जीवन बचाए गए हैं। हम देश को उस दिशा में जाने के लिए कार्य कर रहे हैं जहां अस्पताल से बाहर कोई भी डिलीवरी ना हो, एक भी बहन बेटी अनिमिया से पीड़ित ना रहे। साथियों, आयुष्मान भारत अभियान, पीएम जय, कोई लोग उसको मोदी केयर कहते हैं, इसके तहत भी बड़ी संख्या में लाभार्थी प्रसूता माताएं, गरीब से गरीब प्रसूता बहनों की मुफ्त में सर्जरी अस्पताल में सुनिश्चित हुई। अनेक गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित हुआ। मां बच्चे के जीवन की सुरक्षा हो रही है। महिला के स्वास्थ्य के साथ साथ सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 4 वर्षों में सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रयास किए गए। वन स्टॉप सेंटर हो, महिलाओं से जुड़े अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए उठाए गए कदम हो, हर स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि रेप जैसे मामलों में फांसी के अलावा जेल की सजा को बढ़ाकर 20 साल तक किया गया। बलात्कार के सभी मामलों में 2 महीने के भीतर जांच पूरी हो इसके लिए कानून में प्रावधान किया गया। साथियों, महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा ये भी मिले, भेदभाव से भी मुक्ति मिले इसके लिए भी प्रयास किए गए। तमाम रुकावटों के बावजूद, कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद 3 तलाक कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम इसलिए प्रतिबद्ध है ताकि मुस्लिम बहनों को
एक बहुत बड़े जीवन संकट से मुक्ति मिली है। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहनें पुरुषों के तरह ही बेरोक-टोक हज कर सके, इसके लिए पुरुषों के साथ जाने की जरूरी शर्त को भी हमने खत्म कर दिया। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में देश की आधी आबादी के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार ने इतना काम किया है कि उनको पूरी तरह से इस एक कार्यक्रम में गिना पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। आप सभी ने भी बीते 2 दिनों में यहां इस पर चर्चा की, आपने जो पुस्तक निकाली है उसमें भी इन योजनाओं का जिक्र है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ऐप पर जाकर के ऐसी अनेक योजनाओं के बारे में आप जान सकती है, देख सकती है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे, पक्का देंगे? आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। सबके सर, आप में से कितने लोग हैं जिनके मोबाइल फोन में नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड किया है? इतनी बड़ी संख्या। आप में से कितने लोग हैं जो उसमें से सरकार के काम, रोज की खबरें, इन सबको आगे फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? चलिए, आप सबको बधाई। आने वाले 3-4 महीनों में आप सभी को देश के जन जन तक देश की एक एक बहन बेटी, माता, बुजुर्ग हो, जो भी हो, हर किसी के पास पहुंचना और उनको ये विश्वास दिलाना है कि हमारी सरकार उनके जीवन को सुरक्षित और संपन्न बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये सरकार समस्याओं के तह तक जाकर स्थायी समाधान तैयार कर रही है। आज जो भी काम हो रहा है वो नए भारत में, न्यू इंडिया में आप सभी की भूमिका को सशक्त करने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस अधिवेशन में जो भी आपने चर्चा की, जो भी विमर्श हुआ, उसके आधार पर आप आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति देश के विश्वास को और मजबूत बनाने में आप पीड़ा उठाएंगे। हम लोगों ने एक मंत्र के साथ करना है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। मेरी सभी बहनें देश के स्तर पर काम करती हो, राज्य के स्तर पर काम करती हो, जिले के स्तर पर काम करती हो, लेकिन एक जिम्मेवारी हम सबकी है, दायित्व कोई भी हो, पद कोई भी हो, लेकिन एक काम हम सबका है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। बूथ का कोई परिवार ऐसा ना हो जो मुझे न जानता हो, बूथ का कोई परिवार ऐसा ना हो जिसको मैं न जानता, उसके सुख दुख का पता हो, उसकी समस्याओं का पता हो, और उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको समस्या से बाहर निकालने के लिए किस तेज गति और प्रतिबद्धता से काम कर रही है, इसका उसको विश्वास दिलाना, उसको जानकारी देना कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हम सबका दायित्व है। उसी प्रकार से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी बहनें
कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो तरुण बेटियां हैं कॉलेज में पढ़ रही, उनसे भी अवश्य मिले, क्योंकि अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो नए मतदाता है वो है जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, और 21वीं सदी में उनको आम मतदान का अवसर मिल रहा है, भारत का भाग्य बदलने का, भारत का भाग्य बनाने का, भारत के भाग्य को ताकत देने का अब सौभाग्य उनको मिला है। इस उम्र की बेटियों के साथ आपका संवाद होना चाहिए, उनसे चर्चा होनी चाहिए, इनसे मेल मिलाप होना चाहिए, और मेरा अनुभव है आज हमारे देश में किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे शिक्षा हो, हमारी बेटियां मैदान मांग रही हैं, 18-20 साल की बेटियां मांग कर रही हैं, उनके दिल में देश के लिए कुछ करने का इरादा है। अगर हम उंगली पकड़ के उनके साथ जुड़ जाए, आप देखिए ये बेटियां कमाल करके दे देगी, और इसलिए मैं महिला मोर्चा से आग्रह करूंगा कि आप भी अपने का ये आपका बैनर ऊपर करने से पीछे नहीं दिखता है, आप रखिए नीचे, देख लिया मैंने, धन्यवाद, शाबाश, बहने बड़ी उत्साही होती है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम, ये हमारा दायित्व है, हम सिर्फ चुनाव के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सामान्य मानवीय के सुख दुख के साथ ममता से, संवेदना से, जिम्मेवारी से जुड़े हुए लोग, 50 साल के दामखंड में जब हमारा कोई नुमाइंदा जीत करके नहीं आ पाता, तब भी इस पार्टी की महिलाएं घर घर जाकर के महिलाओं के दुखों का समाधान करने की कोशिश, हमारा 3-3, 4-4 पीढ़ी का इतिहास है। मुझे तो याद है, मैं तो तब तो राजनीति में नहीं था, मैंने ऐसी अहमदाबाद की बहनें देखी थी, मजदूर इलाके में रहने वाली बहनें महंगाई को लेकर के आंदोलन करती थी, और एक एक महीने तक जेलों में रहती थी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जाती थी, और उसमें से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, उसी में से आगे बढ़ा। हमने परिश्रम में कभी कोताही नहीं बरती, समाज की समस्याओं का कभी हमने मुंह नहीं मोड़ा, हम जीते हैं सामान्य मानवीय के सपनों को पूरा करने के, हम जूझते हैं सामान्य मानवीय के हक को दिलाने के लिए, हमारे सपने अपने नहीं, हमारे सपने देशवासियों को लिए हैं, उनके सपने हमारे सपने हैं, इस संकल्प के साथ चलना, यही एक भावना के साथ आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और इतनी बड़ी विशाल मात्रा में इतने बड़ा भव्य सम्मेलन सफल करने के लिए मैं महिला मोर्चा की केंद्रीय इकाई की सभी बहनें, राज्य इकाई की सभी बहनें, उनको भी बहुत बहुत बधाई बधाई देता हूं, उनका साधुवाद करता हूं, और इसी भावना के साथ आप सब दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।